लास्ट वीडियो में मेंशन किया था विच वॉज नियरिंग कम्प्लीशन, अब वो कम्प्लीट हो चुका है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ दिस हाउस. मेरे पीछे है इस घर की अमेजिंग किचन, ब्लैक इन कलर. आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कलर घर के अंदर, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी इन दीज डेज. कंट्रास्ट क्रिएटेड विद द बैकस्लैश वॉल आर ए के टाइल है जो हमने यूज किया है. लेफ्ट में आप ये जो स्पेस देख रहे हैं खाली स्पेस, यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर आएगा, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ स्पेस क्रिएट कर दिया. अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस किचन में जो हमने क्रिएट किया है वो है हमारी ब्लैक ग्लास की फ्लोटिंग शेल्स. दीज शेल्स कैन बी यूज्ड फॉर यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव पर्पसेस. ये है हमारा एंट्री फॉयर, ओपन किचन, बैंक ऑपोजिट एंट्री फॉयर, एंड दिस इज आवर डेकोर वॉल जिसको हमने बनाया है ग्लास एंड फ्लूटेड पैनल की कॉम्बिनेशन. अब हम एंटर कर रहे हैं अपने लिविंग एरिया में. उससे पहले मैं आपको राइट में दिखाना चाहती हूँ अपना मंदिर का स्पेस. ये स्पेस हमने मंदिर के लिए क्रिएट किया है. क्यों हमने इस तरीके की डिजाइनिंग की? बिकॉज जो ओनर्स हैं वो अपना पुराना मंदिर यूज करना चाहते थे, और वो मंदिर जैसे पुराने स्टाइल के मार्बल मंदिर होते थे वो मंदिर है जिसको वो रिटेन करना चाहते हैं. अब क्योंकि हमारी थीम मिनिमलिस्ट है, मॉडर्न है, उसके साथ वो अमेलगमेट नहीं हो रहा था, हेंस हमने एक मॉडर्न लुकिंग ओम बनाया है, एक्रेलिक ओम, एंड वी हैव गिवन हेलो इफेक्ट विद इन इट. ये है हमारा लिविंग एरिया. स्टार्ट करते हैं हमने फ्लूटेड पैनल से. ये पार्टीशन हमने फ्लूटेड ग्लास के साथ बनाया है सो दैट इट डिवाइड्स द मंदिर स्पेस फ्रॉम द लिविंग स्पेस. जस्ट टेक अ टर्न एंड सी, दिस इज आवर टीवी रूम. यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि ये 30 इयर्स पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो विंडोज यहाँ लगी हुई थी, पूरा वुडन फ्रेम्स थे, खराब हो चुके थे, गल चुके थे. हमने वो सब हटाया, विंडो फ्रेम्स को पीछे शिफ्ट किया और आगे का स्पेस हमने यूटिलाइज किया टीवी यूनिट बनाने के लिए. तो यहाँ हमारी टीवी आएगी. अब हम चलते हैं घर के बाकी हिस्से. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ द कॉमन वॉशरूम. अब इसमें हमने सेंसर्स लगाए हैं, मोशन डिटेक्ट करते ही सेंसर्स ऑन हो जाते हैं. देन वी हैव आवर मिरर जिसमें हमने लाइट से डिग्रेड की है. Once I on switch on all the lights, that's how the washroom looks. Glass, इसको हमने decor दिया है with the cutout जो हमारी straight lines को complement करता है. अब हम चलते हैं kids room में. बच्चों का कमरा, पीछे वॉलपेपर पे हमने नेचुरल थीम को ध्यान में रखते हुए ये वॉलपेपर लगाया है. ये है बच्चों की स्टडी टेबल. एंड वी हैव गॉट एम्पल स्पेस फॉर स्टोरेज इन दिस रूम बिकॉज दिस वाज द रिक्वायरमेंट. ऊपर हमने ग्लास शेल्फ दिए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है हमारे ओनर्स की कि कुछ बच्चों के आइटम्स जो वो डिस्प्ले में रखना चाहते. यहाँ पर हमने लाइट्स इंटीग्रेट करी है ताकि जब दरवाजा खुले तो रोशनी की परेशानी ना हो. ये है हमारा मास्टर बेडरूम. सेम डार्क थीम, मैचिंग वॉलपेपर, मिरर. हमने ड्रेसिंग टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रखा है बिकॉज वी हैड टू सेव सर्टेन स्पेस, तो इसलिए हमने यहाँ फुल लेंथ मिरर दिया है. एंड द टीवी यूनिट, यहाँ भी हमने कबर्ड्स में लाइट का कॉन्सेप्ट दिया है ताकि अगर आपको कबर्ड्स खोल लिया जरूरी है कि आपको फिर कहीं और की भी लाइट जलानी पड़े. देयर इज सफिशिएंट लाइट व्हेन यू ओपन योर कबर्ड एंड यू कैन सी योर किड्स. ये बेड जो हम देखते हैं ये कम से कम 15 साल पुराना बेड है, इसको हमने रिफर्बिश किया है ताकि ये हमारे ओवरऑल डिजाइन के साथ मैच हो जाए. जो
पैटर्न्स आप बेड हेड पे देख रहे हैं वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमने इस दरवाजे में डाले। स्लाइडिंग डोर जब हम इसे ओपन करते हैं हम एंटर करते हैं मास्टर वॉशरूम में। अगेन सेम हमने सेंसर्स लगाए हैं जो मूवमेंट डिटेक्ट करते ही ऑन हो जाता है यहाँ पर और यहाँ मिरर के नीचे टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट। देन दिस इज द शावर एरिया। ये वॉशरूम थोड़ा छोटा है इसलिए हमने यहाँ पर ग्लास पार्टी। अब हम मास्टर बेडरूम से निकलकर किड्स रूम से होते हुए चलते हैं अपने ऑफिस एरिया की तरफ।